आप सभी का धन्यवाद। इंस्टीट्यूट का जहाँ से बंद हुआ है वहाँ पर प्रतिक्रिया होगी और लोकसभा के चुनाव में ये आम आदमी को, आम लोगों को देखने को मिलेगी। बंद करने की बात है, पूरे हिमाचल प्रदेश के संस्थान बंद हैं। संस्थान बंद करने का 9 महीने के अंदर अंदर एक व्यक्ति दूसरे विधानसभा क्षेत्र का दूसरी जगह वोट नहीं डाल सकता, तो उसमें वोट नहीं डाल सकता। संजीव पटवार जी, रतन सिंह राज जी, विजय तोमर जी, बलवीर वर्मा जी, विधायक चौपाल, संजय सूद जी, नरेश जी, ऋषिरामपाल, इसमें मुझे प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी दी गई। सुरेश भारद्वाज जी, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। हम चाहते हैं केवल कि आप नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस की जो है मदद करें, ताकि परिसीमन करके उन सभी वार्डों में वोटों का संतुलित वार्ड बनाने का प्रोविजन किया गया था, वो भी सरकार ने रद्द कर दिया। देखिए, नगर निगम का चुनाव बिल्कुल सर पे है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है और हर स्तर पे हमारी बैठकें हो रही हैं, परंतु जो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है उसकी नियत नगर निगम चुनाव फेयर हो साफ नहीं, साफ झलकता है। जब इन्होंने नगर निगम के रूल में परिवर्तन किया 2022 की जो मतदाता सूची है उसके अनुसार चुनाव होना चाहिए और उसी परिधि के लोगों के वोट बनने चाहिए जिनके वोट नहीं बनने हैं, परंतु उन्होंने उसमें रूल में, प्रोविजन में, एक्ट में परिवर्तन कर दिया। आज कहीं का भी व्यक्ति अपना वोट कटवा कर जो है नगर निगम के एरिया में बनवा सकता है किराएदार के रूप में, जबकि जो है हमारा जो कमीशन है वो ये कहता है कि 6 महीने तक जो है दूसरा व्यक्ति दूसरी जगह वोट नहीं डाल सकता। उसका सरेआम उल्लंघन करने का इन्होंने जो है ये जो रूल में परिवर्तन किया वो किया है, और इन्होंने ऐसे ऐसे अधिकारियों को यहाँ पर नियुक्ति पे वोट बनाने के लिए अधिकारियों को लगाया है, वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के प्रेशर में एक एक व्यक्ति 15-15 वोट बनवा रहा है, एक एक घर में 50-50 वोट बन रहे हैं, रहे उसमें रहे नहीं है, फर्जी किराएदार दिखाकर वोटें बनाई जा रही हैं, ताकि जो बाहर के लोग हैं उनका समर्थन लेके नगर निगम पर कब्जा किया जाए। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि आप इन सारी बातों को छोड़कर साफ सुथरे तरीके से नगर निगम शिमला का चुनाव करो। हाँ जी, हम तो जो भी सरकार कहेगी उसी हिसाब से चुनाव होगा। हम चाहते हैं कि सरकार सिंबल पे चुनाव करवाए और हमने एक 34 सदस्य कमेटी का गठन किया है, उसकी बैठक भी आज हुई है हमारी और हम बिल्कुल चुनाव के लिए तैयार हैं। थैंक यू।